Oh my God, please don't die. तेरे बिना मैं क्या करूंगी? इतना क्यों खास रहा है? अरे नहीं 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 सीवी, मैं तो बस एक बातों का सिलसिला शुरू करना चाह रहा था. तुझे थैंक यू बोल के तुझे गुलदस्ता देना चाह रहा था. किस कब्रिस्तान से उठा के लेके आया? कसम लगे मुझे टीटू अंकल की. खरीद के लाया हूँ तेरे लिए. स्वीट, रख दे वहां पे. अब बता क्या कहना है. सीपी, आई जस्ट वांटेड टू एक्सप्रेस माय डीपेस्ट. यार मैं तुझे थैंक यू बोलने आया था, और क्योंकि तूने मेरे पापा को ऐड दिया जिससे एक नए किस्म का जोश है उनके अंदर. इतना खुश मैंने उनको आज तक नहीं देखा. और आके देखेगा भी नहीं. कुछ कहा तुमने? मैंने कहा ओ माय गॉड, अंकल इतने अमेजिंग है यार. ये हार देखने के बाद ना वो टॉप के मॉडल बन जाएंगे, मैं बता रही हूँ. मुंबई से कॉल्स वॉल्स आएंगे उन्हें. अच्छा, फिंगर्स क्रॉस्ड. यस. और पता है क्या ना, सारी शूटिंग्स ना मुंबई में ही होती हैं. यस, सारे स्टूडियोस मुंबई में ही हैं तो आई नो यार. लेकिन सब हैं बाय गॉड. क्या हुआ? अप एंड डाउन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा ना, वेरी एक्सपेंसिव. या मुंबई दिल्ली, दिल्ली मुंबई, इट्स वेरी डिफिकल्ट. आई नो. यस. एक काम करो, तुम लोग ना मुंबई शिफ्ट हो जाओ. क्यों क्यों शिफ्ट हो जाए? अरे ऑफ कोर्स, अंकल का सारा काम वही होगा. एड्स, फिल्म्स, सीरियल्स, सबकी शूटिंग वही होती है, तो तुम सबको ही वहां पे शिफ्ट होना पड़ेगा इवेंचुअली. यू नो, हम कर लेंगे मैनेज. पापा फ्लाइट पकड़ के चले जाएंगे. नो. एफएस वेरी एक्सपेंसिव, बहुत महंगा पड़ जाएगा, मैं बता रही हूं. है ना? हां. लेकिन क्या करें, बसें उड़ के तो जल्दी पहुंचाएंगी नहीं. फ्लाइट से काम चला लेंगे तब तक. फ्लाइट से जाएंगे, बैलगाड़ी की औकात नहीं है. कुछ कहा तुमने? नहीं, मैं कह रही हूँ कि यार एक जमाना था बैलगाड़ियाँ कितनी इन थी, और अब देखो कहीं दिखती नहीं है बैलगाड़ी. गुड ओल्ड डेज. या तू जिस सुर में बात कर रही है, मुझे दाल में कुछ काला लग रही है. पता तो बेटे मैं करके रहूंगा कि माजरा है क्या. ओके बाय. ओके बाय. फ्लाइट्स में जाएगा. सीपी, विनर विनर चिकन डिनर. यार तुम लोग ना विनर 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 खुशियां मना लो पहली जीत से. बेटा क्या इंतजाम किया तूने? कुछ सब ठीक है? सब होगी तैयारी? इंतजाम रेडी है. अच्छा मुझे सिर्फ इतना बता दे कि तू इसमें साइन कैसे कराएगी. गॉड पापा, कच्ची उंगलियां नहीं खेली है मैंने. मेरी बच्ची. देख क्या, देख क्या आया, क्या देख क्या. जा. जल्ल, मैंने ना रात को एक सपना देखा. व्हाट व्हाट? अरे मैं ना भाई, मैं बहुत बड़ा मॉडल बन गया हूँ. मॉडल? अच्छा. हाँ, भीड़ की भीड़ मेरे पीछे भाग रही है ऑटोग्राफ के लिए. कर्जे वाले होंगे लोन पीपल. क्या बात कर रही है यार, हैं? हम फिल्म बोल रहे हैं और तुम्हारा वो चीख मजाक कर रही है यार. लोन पीपल. बात कर रही है. कौन है, कौन है? अरे यार जल्दी जल्दी ऑटोग्राफ. अंकल ऑटो. ऑटो वाले थोड़ी हैं जो ऑटो में लिफ्ट देंगे. ऑटोग्राफ बॉय. मेरी ऑटो पे ऑटोग्राफ दे. मेरा मेरा. अरे यार क्या, हम का अंगूठा चिपका दो. वन प्लीज, वन ऑटोग्राफ. अरे यार नन्हे. अरे नन्हे यार, तू स्टार हो गया यार, तूने कमाल कर दिया यार. तू मेरी यार दुकान के जो स्टार. अरे ले अंकल पाउट. पाउट पाउट पाउट. तुम ही अंकल.
अंकल कैसा लग रहा है आपको? बेटे अब मैं तुझे क्या बताऊं, मेरी बच्ची तूने जो काम किया है ना वो मेरे लोंडे ने भी नहीं किया। जुग जुग जी मेरी बच्ची। भाभी जी नमस्कार, कैसा लग रहा है आपको? फिलहाल तो गर्मी महसूस हो रही है, यू नो लाइक बारबेक्यू। हाँ वो तो होता ही है, हैं? जब आदमी बड़ा हो जाता है तो गर्मी तो लगती है ना। वो क्या है ना कि नोटन में बड़ी गर्मी होती है। हाँ और आंटी के पास तो लाख आने वाले हैं ना। हाँ हाँ मैंने तो सुना है एक एक ऐप के दो दो लाख मिलते हैं। दो लाख दादू? अंकल जो मेरा छोटा भतीजा है ना वो ना आपका बहुत ही बड़ा फैन हो गया आपको देखकर। इनफैक्ट उसके स्कूल के सारे बच्चे फैन हो गए और आपके ना बहुत सारे ऑटोग्राफ चाहते हैं ताकि ना वो कोलाज बना सके बड़ा सा। तो कोलाज यार वो फ्रेम कराना है आपको। तो साइन कर दीजिए, आई मीन ऑटोग्राफ। ऑटोग्राफ 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 सामने देख, सामने देख, सामने देख। अभी अभी डायगोनल डायगोनल देख रहे हो? देख थोड़ा टेढ़ा लो बेटा, टेढ़ा। हां हां यहां पे, यहां पे साइन करता रहे, साइन करता रहे। उधर देख, उधर। हां हां बेटा वीडियो बना, वीडियो बना, वीडियो। हां सामने देख, हैं सामने देख, इधर से नीचे। हाँ ये कर, ये कर, वीडियो में उधर देख, वीडियो में उधर देख। हाँ क्या बात है, क्या बात है। हाँ देखता रहे बस बेटा, तू देखता रहे नन्हे, देखता रहे बस, तू देखता रहे यार। एक मिनट एक मिनट, जरा हवा आने दो, लेट सम विंड ब्लोइंग। चलो नानू और मुझे कहीं बाहर जाना है। कहाँ जाना है? मॉल में जीजा जी के लिए शॉपिंग नहीं करेंगे क्या? बाय 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 दीदी। बेटा काम हो गया? पापा हाँ प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन ले लिए गए हैं। अरे शाबाश मेरी बच्ची, तूने कमाल का काम कर दिया ये। अब तो इनके फरिश्ते यहाँ एक दिन भी नहीं रुक पाएंगे। लगाइए चक्रवाल मामा को फोन। यस माय गॉड। हेलो चिप्स। अरे लड़को आ जाओ जल्दी, आ जाओ जल्दी, खाली करवा भैया टेम्पो, जल्दी खाली करा। अरे वाह बेटा, अरे तू तो पिछली बार भी आया था। आ जा आ जा आ जा, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ओह गॉड, मुफ्त की तनख्वाह तोड़ने आते हैं आप, कोई काम ठीक से नहीं करते हैं आप, मुफ्त खोर। ओ अंकल मैं तुम्हारा नौकर ना हूं, वो तो बस तितली के चक्कर में ये सब करना पड़ रहा है। वो क्या देख रहा है मेरा, टेबल साफ कर चल। अंकल जी इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो, क्या हो गया? कहाँ का धन्ना सेठ हो रखा है तू जो तेरी बेइज्जती हो गई? क्या तेरी 150 बसें चल रही है? बेइज्जती कर रहे हैं अंकल जी। क्या हुआ अंकल? अरे कहाँ से पकड़ लाई बेटा तू इसको, एक काम ठीक से नहीं करता ये। ओए काम करना ना अगर यहाँ तो ढंग से कर ले वरना फूट ले, जस्ट गेट लॉस्ट। यही सुनना बाकी रह गया था। अबे सुन जरा, सारी टेबल साफ हो जानी चाहिए, समझ रहा है तू? और जितना सामान है ना उसे ठीक से लगा चल। सुन बेटा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे नजर। हाँ भाई जल्दी राम। अरे बेटा चल जा। अरे वाह खुशी राम क्या बात है, क्या बैठ 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 बैठ। अरे बंटी बेटा। हाँ जी। अंकल जी के लिए बढ़िया जो है छोले भटूरे लगवा। दो प्लेट? हाँ हाँ। क्या हाँ, पिछली बार एक भी प्लेट नहीं आई। अरे रुक जा यार सुन मैं क्या कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है इस बार खुशी राम कि तू बहुत अच्छा रिश्ता लेके आया मेरी बेटी के लिए। देख मेरी उम्मीदें मत नचवा देना तू। देख जल्दी राम कोई भी उम्मीद रखने से पहले मेरी पूरी बात सुन ले। हाँ तो सुना ना। देख क्या है कि आजकल के जो बच्चे ना ये बड़े अजीब होते हैं। तेरे बच्चों ने कुछ कांड कर दिया क्या? अरे मैं अपने बच्चों की बात थोड़ी कर रहा हूँ। तो किसके बच्चों की बात कर रहा है? मैं तेरी बच्ची की बात कर रहा हूँ। मेरी बच्ची ने कुछ कांड कर दिया? देख घबरा मत, घबरा मत। हर जवान बच्चे के बाप को ना ऐसी सिचुएशन झेलने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। अरे लेकिन खुशी राम मेरी बच्ची ने किया क्या है? तेरी बच्ची ने जवानों के वही किया जो बाकी सब बच्चे करते हैं। सब बच्चे क्या करते हैं? शादी और क्या। तेरा कहने का मतलब है कि सीपी शादीशुदा है? हाँ उसने शादी कर ली। तेरा दिमाग खराब हो गया है? दिमाग तेरा फिर गया जल्दी राम है? अपनी बेटी का तुझे होश नहीं है कि वो क्या गुल खिला रही है? खुशी राम ये बता सीपी ने खुद बताया तुझे कि उसने शादी कर ली है? तो ऐसी बात मैं खुद बना के बोलूंगा, खुद बना के बोलूंगा। सुन चल मेरे साथ आ। अरे कहाँ मंगा? आ तू मेरे साथ तो आ। अरे अरे तू आ तो यार जल्दी। बाबू छोले भटूरे। अरे छोड़ छोले भटूरे। ओए रहने दे बंटी अभी छोले भटूरे रहने दे। आ जल्दी आ। कहाँ जा रहे? तू आ तो यार मेरे साथ आ। अरे तू आ यार। अरे यार धीरे धीरे चल। एक मिनट आ तो। अरे कहाँ लेके जा रहा है? तू आ इधर बैठ। अरे बता तू सही। यहाँ बैठ बैठ। अच्छा 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 बैठ बैठ तू। एक मिनट यहाँ बैठ।
सोफी, अरे काहे तू इधर आ? तेरी बीवी का नाम बड़ा अच्छा है, सोफिया। बैठ, बैठ तू बैठ। अरे कहाँ है वो, काहे चिचिया रे? सेबी, सेबी। क्या हो गया? बोल, बोल। खुशी नाम अंकल, मिल गया लड़का? बता, अब बता क्या कह रहा था तू, बता खुशी नाम। मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कोई लड़का ना ढूंढे। याद रहे ये बात मेरे पापा को नहीं पता चलनी चाहिए। मैं क्या कह रहा था? क्या कह रहा था तू सीबी के बारे में? बता, बता। क्या कह रहे थे मेरे बारे में अंकल? मैं कहाँ कह रहा था बेटा, तू ही तो कह रही थी। कहाँ कह रही थी जय? ये कह रही थी कि इसकी शादी हो चुकी। क्या? जो लड़के ने खानदान की इज्जत को फालूदा बना दो। अरे अरे मैंने कौन सी इज्जत का फालूदा बना दिया है? तूने बगैर पूछे हमसे शादी कर ली। By God. माना कि मैं मरी जा रही हूँ शादी करने के लिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को भी पता ना चले चुपचाप शादी कर लूँ। ऐसा नहीं हो सकता है पापा। In fact, जब मैं शादी करूंगी ना, तो सिर्फ इंडिया को ही नहीं पूरे वर्ल्ड को पता चलेगा। अब बोल कुछ राम, अब बोल। जल्दी राम, अब मैं क्या बोलूँ, ये तो साफ साफ मुकर रही है। हो? मैं कोई मुकर वुकर नहीं रही हूँ यार, मैंने नहीं किया ये सब। अंकल कौन से शर्म का बदला निकाल रहे हो यार मुझसे? तो खा अपने पापा की कसम, खा। मेरे पापा की कसम, मैंने आपको कभी नहीं बोला कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे जब मैं शादीशुदा हुई नहीं तो मैं क्यों बोलूंगी कि मैं शादीशुदा हूँ? डा खुशी राम, तूने किसी और की बच्ची को मेरी बच्ची समझ लिया। अरे मैं जानता हूँ मेरी बच्ची झूठी कसम मेरी खा ही नहीं सकती। हाँ पर मैं तो ये कहना चाहती हूँ, क्या आप मेरे को अच्छा लड़का ढूंढ लो। मुझे शादी करने का बहुत मन है। I'm dying to get married और उसके बाद ये कुछ तो शर्म कर ले। क्यों? शादी करना बुरी बात है? आप दोनों ने क्यों की? शादी करना बहुत अच्छी बात होती है। अब मैं शादी करना चाहती हूँ, इसलिए अंकल लड़का ढूंढो ना मेरे लिए प्लीज। खुशी राम, एक अच्छा सा लड़का ढूंढ देना मेरी बेटी के लिए। हाँ हाँ माय लॉर्ड, ये केस किसी बेसहारा बेवा और बहुत ही बुजुर्ग औरत की तरह है, जो हाथ में गुजरे हुए वक्त की लाठी लेकर के, जर जर लाठी लेकर के कानून की दहलीज पर इंसाफ की गुहार लगा रही है, लेकिन उसे इंसाफ नहीं मिल रहा है। साहब क्या बात है, ओए तू केस लड़ने आया है या राही मासूम रजा के डायलॉग बोले जा रहा है यहाँ पे? अरे यार जीजा, तुम्हारी इन्हीं ऊंची हरकतों की वजह से ये केस खिंच गया, वरना मैं इसे चुटकी में निपटा देता। बातें कर रहा है यार। अबे केस लड़ तू यार। मामा यार मुद्दे की बात करो। मुद्दे पे? हाँ मुद्दे पे तो आना ही पड़ेगा, मुद्दे पे नहीं जाकर तो काम कैसे चलेगा। ए इधर आवे, कितू है क्या दिक्कत है, क्या हुआ? बेटा मैं तुझसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, तू गुलजार है? नहीं मैं जावेद अख्तर हूँ। लेकिन तूने पिछली सुनवाई में तो कहा था कि तू गुलजार है। नहीं उससे पिछली वाली में भी गुलजारी बोला था, और उससे पिछली से पिछली वाली में भी गुलजारी बोला था मैंने। बार बार पूछोगे ना तो मैं जावेद अख्तर से फरहान अख्तर पे आ जाऊंगा, टाइम नहीं लगेगा। अब एक कोर्टरूम की प्रक्रिया चल रही है कि हम लोग गुल्लू के नामकरण संस्कार में बैठे हैं। तो क्या कर रहे हैं, जब तुम्हारा अपना ही आदमी नाम बदल लिया तो मैं इसमें क्या कर सकता? नहीं वो तो बदलेगा ना भैया, असली गुलजार से दो बार पूछ लेगा ना, सिर्फ दो बार, ये गुलजार है वो चल के बोल देगा ना मैं तो राखी हूँ। क्या हो कह रहे हैं यहाँ पर? हाँ ये कोर्टरूम टाइम पास के लिए लगाया गया है। नाना ये कोर्टरूम तो तुम लोगों को भगाने के लाने लगाओ भाव है दीदी। दीदी ऐसा है कि हमें इस घर से कोई नहीं निकाल सकता है ना, नॉट इवन योर फॉरफादर्स। अबे हमारा घर है भैया, ऐसे कैसे निकाल लेगा वही। अबे ओए
तू खुद को देख और घर को देख, तू इस घर का सर्वेंट लगता है। पापा। नानू? ये तो मैं सर्वेंट बोल रही है। नौकर नौकर? अब कैसी बातें कर रहे हैं तू? अपने आप को देख, अपने बालों पर टिकाना मत रख, गुच्छा उसको देख, उसको देख कर लग रहा है तू घर का ना वो प्लम्बर है, प्लम्बर। क्या बोलता है? सुपर। एक्सक्यूज मी अंकल। अबे ये प्लम्बर्स मैकेनिक्स ना आपके खानदान से निकलते हैं बिल्कुल ऐसे। अबे कौड़ी कौड़ी पे जान देने वाले तुम लोग, तुम्हारे खानदान में कौन सा बिल गेट और मार्क जुकरबर्ग कोडिंग कर रही हैं? सही बोल रहे लौंडा हमारा। अबे तुम्हारे खानदान से ना वो जलीलों का झुंड निकला, झुंड। अबे जलीलों का तू और तेरा पूरा खानदान पे थी। अरे एक आप लोग केस से भटक रहे हैं, केस से भटक रहे हैं आप लोग। Take your seat, please, please, please. बैठो, बैठो, बैठो यार, थक गया मैं, बैठो, बैठो, बैठ जाओ भाई। केस से हम लोग ना भटक रहे, जे भटक रहे तुम्हारे क्लाइंट। अरे यार आप लोगों ने ये कोर्ट रूम क्यों लगवाया? जब आप लोगों को आपस में ही लड़ना है तो हम लोग नहीं खेल रहे। यप। चलो पापा। अरे एक मिनट वकील साहब, प्लीज कोई कहीं नहीं जाएगा, कोर्ट की कार्रवाई जारी रहेगी। दिखाइए क्या 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 दिखाना, क्या दिखाइए? हाँ दिखा 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 भाई दिखा। क्या दिखाओ? चक्कू भैया भून डालो। सही कह रही है बिल्कुल। देखो भैया ऐसा है नन्हे, अब अपना सामान बांध के तुम निकल ले, समझ गए? हैं? बाय बाय। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारे हिस्से का जो घर है, जो कि तुम्हारे कभी था ही नहीं, वो सीपी के नाम कर दिया है। भैया क्या कर सकते हैं इसमें। अबे झूठ बोल लिया ये। पापा रिलैक्स। अब भाई ओ घायल वकील, क्या सबूत है? सबूत दिखा। सबूत नहीं है हमारे पास? अरे वाह, हमारे पास हर बात का सबूत है। लीजिए बेटा सबूत, ले पकड़ बेटा, इधर पास आना पड़ेगा मेरे बच्चा, लेके जा 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 जा। देखो कसम। पापा रिलैक्स। रिलैक्स ना? रिलैक्स हाँ ना, तो किया नहीं भाई। हाँ तो भाई चक्राल साहब, ये क्या फर्जीवाड़ा करके लाए हो? हैं? किसके जाली सिग्नेचर हैं ये? अबे ओ तेरे पापा ने खुद साइन किए हैं। नहीं बेटा, बेटा मेरे लौंडे झूठ बोल रही है। ये मेरे पापा का साइन नहीं। ये तो मेरे फादर साहब का ऑटोग्राफ है। मेरे पापा का साइन बैंक पासबुक वाला तो ये है। But nice, हमारे बॉय ने तो हमें पहले से ही वार्न कर दिया था कि ये सब तुम लोगों की ये साजिश है, you know, plotting and planning scammers. अबे लौंडा मेरा गोल्डन है। My golden child. Sorry, Grime. Better luck next time. नमस्कार भाभी जी। हाँ देखा आ गए सब अंटे में। भाई ऐसा है कि चले चले भाई हैं। खुशीराम
खुशीराम, खुशीराम, तुम क्यों आई हो यहाँ पर? माफी मांगने आई हो कि अपने बाप के सामने झूठ बोला था? मैं यहाँ माफी मांगने नहीं आई हूँ खुशीराम, सिर्फ ये कहने आई हूँ कि तुमने मेरे पापा को सच बता के अच्छा नहीं किया। कमाल है, कमाल है, खुद तो अपने मम्मी पापा के सामने साफ साफ मुकर गई, मुझे उनके सामने झूठा साबित कर दिया, जबकि तुम खुद मुझे मना करके गई थी। वो तो हम अब भी कह रहे हैं, हम शादीशुदा हैं। ना, अब मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। अभी तुम्हारे मम्मी पापा को फोन करके साफ साफ कहता हूँ कि तुम्हारी लड़की ही चरित्रहीन है। अरे ये लाइट को क्या हुआ? कौन हो तुम? मैं पूछता हूं कौन हो तुम? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.